राम राम दोस्तों, शुभ संध्या। आप सपन गए कैसा? सब कुशल मंगल वाला और सब बढ़िया। ये देखो दोस्तों, आज मैं बढ़ोनी हूँ बटा दाओ। ये कहा कौन है अमा पाल में बटा चुरकाने कौन है कोई? और यो काऊ बटकले बनो, सफेद बटकले बनो। यो दो टाइप का बटन है, जो सफेद और काऊ कलर कौन है। और यह था चाहिए थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा मिर्च, कोई तो टमाटर डालना, लेकिन मैं बिना टमाटर का बनाऊं, मेरा भी टमाटर ज्यादा पसंद ना। और ये देखो, ये कलर है लाल मिर्च, ये थोड़ा बहुत मसाल और ये तेल। चलो सबसे पहले काम हो तेल डालो, तेल डाल भी और उसके बाद इसमें तेल डालो, तेल को थोड़ा गर्म होने दो, उसके बाद भट भून लो। दिखाती हूँ आपको, अब मेरा तेल गर्म हो रहा है, ये देखो लगभग हो चुका है। कोई तो इसको आराम से बनाना है तो कढ़ाई में बनाओ, कढ़ाई में बहुत स्वाद बनता है। मेरे को थोड़ा जल्दी बनाना है, निखिल अभी फुटबॉल खेल के आया तो उसको जल्दी जल्दी क्या है खाना चाहिए, इसलिए मैं इसको आज कुकर में बना रही हूँ। एक दो सीटी जल्दी जल्दी लग जाएगी तो जल्दी बन जाएगा। और इसके लिए मैं भूल गई थी एक चीज और चाहिए, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा इसको गाढ़ापन लाने के लिए। इसमें हेल्दी का हेल्दी देखो, सोयाबीन की क्या क्या बनती है, बढ़िया बनती है, प्रोटीन पाउडर बनता है। और ये हमारे पहाड़ में पहले से खाते थे इसलिए वो लोग स्वस्थ रहते थे। आज की डेट में ये होता ही नहीं है अब कहीं कहीं पर। ये भी मेरे को किसी ने दिया हुआ है, आधे किलो करीबन भर दिए थे, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ। निखिल फुटबॉल खेल के आया है तो थोड़ा उसको भी प्रोटीन मिल जाएगा, और इसलिए मैं आज दाल बना रही हूँ इसकी। देखो तेल गर्म होने को आ गया है, अब मैं डालती हूँ इसमें भट। देखो दोस्तों, अभी मेरे पास कैमरा इतना अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपनी शक्ल आपको कम दिखा पा रही हूँ। और आप देखो सब दाल बनते हुए देखो, मेरी शक्ल आपने देखी है, उससे जरूरी भी नहीं है आपको मेरी शक्ल देखना। और ये देखो कदू भाल लगवाने देखो दया भैया, पहाड़ी भाषा तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर कत्यूरी भाषा को कत्यूर वाला है ज्ञान। मैं होराश वाल तो ज्यादातर कत्यूर वाला है ना, उन्होंने कहा मेरी भाषा समझे मैंने उन अगड़ वाला मैं दिखा दे, उन्होंने कहा तो मैं इस भाषा पर सीना उन समझ उन्हें की देखूँ की ठगुण है यार गाय जे तो बताओ यश को कह देने में भाषा कहा। अब जब तक हमें बढ़ फुट गणा थोड़ा गप सप है जाओ, पर शक्ल देख लियो मेरे कोई बात नहीं, ये हुई और गढ़वाला का भी समझ में ना आऊ है, पहाड़ी में बुलाऊ जो देश लोगों का समझ में ना आऊ। और इससे अच्छा कि मैं हिंदी ही बोलू, और आपको पता ही है हिंदी में बोल ही लेती हूँ थोड़ा बहुत टूटी फूटी, और इंग्लिश तो खैर ज्यादातर हमें नहीं आती है झूठ भी बोलना, पर समझ सब जाते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और थोड़ा बोलनी कम आती है। और पर ठीक है जो भी है। अभी देखो ये भट हमारे भून रहे हैं, थोड़ा सा ये ब्राउन हो रहे हैं, जैसे ये ब्राउन हो जाते हैं तो इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। उसके बाद इसी तेल में, बचे हुए तेल में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और फिर उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, और फिर प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे। दिखाऊंगी आपको, अभी मेरे भट भून रहे हैं कुछ देर, दिखाती हूँ। ये देखो भट भून चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं जैसे मैंने बताया आपको। वैसे ये वैसे भी टेस्टी होता है, जैसे तवे में भट को भून लो, उसके बाद उसको शिल में थोड़ा दरदरा करो, उसके छिकल निकल जाएंगे, इसके दो पीस हो जाएंगे। फिर इसको मसालों में बना लो, हल्के फुल्के मसालों में थोड़ा सा बेसन करके, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। अब मैं ऐसे आज बना रही, देखो अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा पाउडर, देखो यही जीरा, साबुत जीरा डाला, और फिर मैंने इसमें डाल दिया प्याज। ये देखो प्याज डाला, उसी के साथ साथ मैंने डाल दी हरी मिर्च, देखो उसी के साथ साथ मैंने हरी मिर्च डाल दिए, और मैंने इसको अब वो कर लिया थोड़ा सा ब्राउन होने तक, इसको हम घुमाएंगे। अब प्याज थोड़ा ब्राउन होने लगा है, अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी ये आधा कटोरी बेसन। मैं वैसे ब्लॉग बनाती हूँ, आज थोड़ा अच्छी लगी मेरे को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं शेयर करूँ आप लोगों से। ये देखो इसके साथ थोड़ा बेसन भी हम भून लेंगे, इससे बेसन भून जाता है हल्का सा, जैसे बेसन भून रहा है। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसी के साथ बेसन थोड़ा सा दो मिनट भून के, फिर इसमें आप मिला दोगे एक कप पानी। एक कप पानी डाल के बेसन को थोड़ा घुमा लेंगे, नहीं तो लोई सी बन जाती है। फिर इसमें आप डालोगे स्वादानुसार, आप जो भी मसाले आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल सकते हो। ये मैंने डाला गरम मसाला, जो मैंने अपने हिसाब से बना के लाई हूँ, इसमें जैसे अजवाइन, लौंग, काली मिर्च सब मिक्स करके,
ये मैंने थोड़ा सा लिया है जीरा पाउडर, ये देखो। फिर मैं इसमें मिर्च मसाला, मिर्च मैंने थोड़ा काट के डाले हैं, थोड़ा ऐसे भी डाल देते हैं, थोड़ा तीखा भी ठीक ही लगता है। ये हल्दी पाउडर है, ये देखो, ये भी मैं गडेरा से लेके आई हूँ। मेरे पापा ने दिया है मेरे को 2 किलो हल्दी इस बार, ये देखो। ये है नमक स्वादानुसार, और आप जितना नमक खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हो दोस्तों। अब थोड़ा सा हम इसमें कलर के लिए डाल देते हैं देगी मिर्च, ये डाला। फिर ये सबको घुमा दिया, घुमा के तो घुमा दो, हल्का सा घुमा दिया है तो इसमें क्या कर दो, ये भुने हुए भट डाल दो, बस ये डाल के फिर इसमें हम और पानी ऐड कर देते हैं। कम से कम जिस हिसाब से आप मेंबर्स हो उस हिसाब से दाल बना सकते हो, उस हिसाब से इसको पानी ऐड कर सकते हो। आज तो हम निखिल और मैं हैं तो हम कम ही बनाएंगे, फिर बासी खाना भी अच्छा नहीं है ना। और ये मैंने भट्टाओ बना दिया है। और दोस्तों अब इसमें हम 2 कप मैंने पानी डाला है, फिर मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। कम से कम 2 या 3 सिट्टी, कम से कम 2 सिट्टी में तो बन ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा वो क्या होते हैं ना, करे करे ही रह जाते हैं, तो 2 सिट्टी लगाएंगे तो मतलब कच्चापन तो उसका वैसे भून के निकल गया है। फिर भी जो भी है, बस दोस्तों देखो गर्मी कितनी है किचन में, हालत खराब है, हम लोग बनाते हैं जैसे तैसे खाना, फिर भी बताओ कोशिश करते हैं अच्छी बने। और ये देखो अब जो है इसमें मैं क्या कर दूंगी, ढक्कन लगा दूंगी, उसके बाद आप सबको बताती हूँ दोस्तों कैसा बना है, आप लोग भी ट्राई करना। जिसके पास भट अवेलेबल नहीं है, दुकानों में मिल जाते हैं, पहाड़ों में तो आजकल दुकानों में भी मिल जा रहे हैं, और खरीद के बना लो, बहुत अच्छी चीज है ये। बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ और सबको सर्व करो, बहुत अच्छी चीज है। अब देखो निखिल का क्लास का टाइम हो गया है, इंग्लिश क्लास उसकी आती है। अच्छा दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। कैसा बना दाल और बताऊंगी जरूर, और ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इसी तरह से नए नए वीडियो दिखाते रहूंगी, जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूंगी दोस्तों, और देखते हैं क्या होता है। अभी तो देखने में कलर वलर भी अच्छा ही आया हुआ है, ये देखो गाढ़ा हो रहा था, थोड़ा मैं पानी मिलाऊंगी, फिर इसमें ढक्कन लगा दूंगी, फिर फटाफट निखिल की क्लास होगी 8 से 9, तब तक उस बन जाएगा रोटी सब्जी मेरी, उसके बाद मैं सब करूंगी, बताऊंगी आपको भी कैसी बनी। बाय बाय दोस्तों, सी यू, राम राम दोस्तों।